देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है। आए दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर ही तोड़कर रख दी है, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा। मायावती ने एक बार फिर महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की जबरदस्त मार और तनाव झेल रही जनता अब पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के चलते घुट घुट कर जीने को मजबूर है, जो देश के लिए चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की नसीहत भी दे डाली। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम 74 से 84 पैसे जबकि डीजल के दाम 75 से 85 पैसे तक बढ़े हैं, और लगातार बढ़ रहे दामों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते 15 दिनों में 13 बार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की कुल बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। आलम तो ये है कि कई शहरों में तेल की कीमतें 100 रुपये से ज़्यादा हो गई हैं। महंगाई के मुद्दे पर मायावती का ये तंज सरकार पर कुछ हद तक शायद जायज भी हो, लेकिन देखने वाली तो बात ये होगी कि क्या सरकार महंगाई से जनता को राहत दिलाती है, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाती है, या फिर महंगाई एक सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर ही रह जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।